हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है अपने कॉलेज टूर पर। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको अपने कॉलेज का टूर दूंगा। तो आज संडे है तो मैं अंदर से तो कॉलेज का टूर नहीं दे सकता, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको कॉलेज का टूर दे दूँगा। क्यों, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, रोज़ कॉलेज और काम वगैरह ज़्यादा होता है, फ्री होते नहीं हैं। फ्री आज संडे को ही था तो सोचा कॉलेज का टूर दे दूंगा आपको। तो चलते हैं कॉलेज की साइड। अभी मैं खड़ा हूँ कॉलेज के पीछे की साइड में, उस साइड में हॉस्टल है अपना, ठीक है। ये है कॉलेज का पीछे का साइड पूरा, वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं पीछे खड़ा हूँ। मैं आपको सबसे पहले मेन गेट से, जो उस साइड से नगर निगम की साइड से आता है, नगर निगम की साइड से मैं आपको मेन गेट बताऊँगा। तो मेन गेट तो आज शायद संडे है तो देख लेंगे बंद है या खुला है। नहीं, पीछे से अपना ये रास्ता पड़ा है, यहाँ से मैं अंदर जाके आपको बता दूंगा। और वो है अपना बाइक स्टैंड, बाइक स्टैंड भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। तो चलते हैं मेन गेट की साइड, वहाँ जाकर फिर आपको दोबारा मिलता हूँ। तो मेन गेट की साइड जा ही रहा था, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कॉलेज का कैंटीन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। तो हॉस्टल से आते हैं तो इसी गेट से अंदर जाते हैं। थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही थी, पीछे सूरज है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना कलरिंग। यहाँ से मेन गेट है, हम तो यहीं से जाते हैं, मतलब पूरा खुला ही है, कहीं से भी चले जाओ। तो ये है अपना कैंटीन जो आज बंद है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बता नहीं सकता आपको अंदर से, बाहर से टूर दे दूँगा। और आप अगर जो कॉमेंट करोगे तो मैं आपको MBM का भी टूर दे दूंगा, इसका हो सका तो आपको पूरा अंदर से भी टूर दे दूंगा, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो, ठीक है ना। और MBM एक मेरा दोस्त है, दीपक चौहान, दोस्त नहीं है लेकिन वो भी यूट्यूबर है, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। दीपक भाई, अगर आप ये देख रहे हो ब्लॉग तो कॉमेंट ज़रूर कर देना नीचे, ठीक है ना। हो सकता है मैं MBM आऊँ, आपको आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपको अभी मैं अपना ये मेन गेट से शुरू करते हैं। अभी खड़ा हूँ मैं अपने कॉलेज के मेन गेट के बाहर। तो ये है अपने कॉलेज का मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है। हालांकि चारों तरफ मेन गेट ही है, कहीं से भी आ सकते हैं। तो मेन गेट से आ चुके हैं अंदर, ये है अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा। इधर ये नगर निगम का इतने दिन काम चल रहा था, शायद आज ख़त्म हट रहे हैं यहाँ से टेंट वगैरह, तो कुछ काम चल रहा, पता नहीं क्या नगर निगम का था। तो ये है अपना कॉलेज, और कॉलेज का दिखाता हूँ आपको अंदर से। वैसे इधर एक मेन गेट है, वो अभी मेरे को पता बंद होगा, क्यों आज संडे है तो बंद ही होगा ऑब्वियसली। देखते हैं और आपको मैं बता देता हूँ आगे से कैसा दिखता है, और फिर पीछे से वहाँ वापस जाके और अंदर जाना पड़ेगा अपन को, तो वहाँ से देखते हैं क्या होता है। ये छोटा सा पार्क समझ लो आप, यहाँ पर कोई कोई यहाँ पर अपनी बाइक भी छोड़ते हैं। ये है इस साइड अपना ये कॉलेज। अभी वो मंडोर वाला भी कॉलेज इधर शिफ्ट हो गया है, पता नहीं वहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग वगैरह बन रही है। ये है अपना सीन, ये है स्टूडेंट सेक्शन, जहाँ पर एडमिशन वगैरह, नहीं एडमिशन शायद उधर होते हैं, कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो या फीस वगैरह यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत होती है मेन गेट की, ठीक है। ये ऑफिस है साइड, ये है मेन गेट, देख रहे हो आप, अभी लॉक लगा है। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, और वैसे चारों तरफ से एंट्री होती है, ठीक है ना। ये है प्रिंसिपल का ऑफिस इस साइड में, PS टाक प्रिंसिपल, ये। और इस साइड का सीन कुछ ऐसा है, कॉलेज जब से आया मैं इस साइड आया नहीं हूँ,
वैसे कुछ है नहीं खास, यही है ये बिल्डिंग है। चलते हैं अंदर, अभी आपको अंदर से बताता हूँ। तो इस साइड तो आपको मैंने दिखा दिया है, ये बंद पड़ा है ठीक है ना। तो उस साइड चलते हैं, उस साइड से अंदर एंट्री लेंगे। देख लो ये मेन गेट है, अभी उधर से आके अंदर से आपको बताता हूँ मैं। तो फिर वहाँ से मिलते हैं घूम के आपको बाद में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। तो कॉलेज खुला तो मैं कभी आपको अंदर से भी मंडे को शायद क्लिप बना लूँगा अंदर की, हो सका तो, नहीं तो फिर रहने देना, इसी से काम चलाना, आपको आइडिया मिल जाएगा ऐसा कॉलेज है। और उस साइड है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो चलता हूँ उधर से अंदर और फिर आपको बताता हूँ। ये है अपना ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम हॉल। तो वहाँ से अंदर चल के बताता हूँ। तो वहाँ से आ गया था मैं, ये है कैंटीन अपना। हम जब हॉस्टल से आते हैं सीधा इसी गेट से एंटर होते हैं, लेकिन अभी ये भी बंद है। तो देखते हैं जुगाड़ उस साइड का, उस साइड जाके फिर आपको बताता हूँ, अंदर चलते हैं वहाँ से। तो यह है, यहाँ से अपन अभी अंदर घुसेंगे तार के नीचे से। मेन गेट का तो ऐसे ही है वैसे जाने के लिए। तो आ चुके हैं अपन अंदर, ये है अंदर का कुछ सीन ऐसा। मैं सिनेमेटिक शॉट दे दूंगा आपको, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कुछ बैठने के लिए चेयर वगैरह। ये है लैंग्वेज लैब, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश लैब यहीं होती है, वाइवा वगैरह। ये IIIT सेल, यहाँ पर एडमिशन वगैरह जब भी होते हैं स्टूडेंट का यहीं होता है IIIT सेल में। प्लेसमेंट वगैरह सब इसी में होते हैं। तो मैं आपको एक सिनेमेटिक शॉट देता हूँ, उसके बाद दोबारा मिलता हूँ। कुछ सिनेमेटिक शॉट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी चलते हैं कॉलेज के अंदर, थोड़ा बहुत आपको अंदर से दिखा देता हूँ। वैसे आज सारी क्लासें बंद है, तो स्टार्ट इस साइड से करेंगे जहाँ लाइब्रेरी है अपनी। आपको मैं लाइब्रेरी दिखा देता हूँ, और जहाँ से हम एंटर होते हैं वो भी गेट अंदर से दिखा देता हूँ, जहाँ से यहाँ पर लॉक है। तो चलते हैं अभी अंदर और आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ मैं। सारी क्लासों पर नंबर लिखे हुए हैं, D10, 9, C10 वगैरह। और लैब है वो अलग है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ से अलग है ठीक है ना। तो आ गया हूँ मैं अंदर, ये है अपनी यहाँ पर लाइब्रेरी, अभी लॉक है। और इधर से हम एंटर होते हैं, और ये है ऑडिटोरियम हॉल जहाँ पर सारे फंक्शन वगैरह एसी में होते हैं। अभी ये भी लॉक है कोरोना के कारण, ये क्या लिखा हुआ, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। सॉरी, कोरोना के कारण क्या, आज ठंडी है इसलिए आज कुछ भी निकल रहा है, पता नहीं क्या है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो देख लो सारे रूम पर लॉक लगा हुआ है। ये है गैलरी पूरी, दो फ्लोर है पूरे कॉलेज में। तो नीचे तो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास लगती है, बाकी सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, सभी की क्लासें वहीं लगती है। मैकेनिकल का उस साइड है तो मैकेनिकल की उस साइड लगती है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये यहाँ से मेन गेट एंट्री होती है। और ज़्यादातर लोग मुझे NCC के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता दूँ इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है NCC के बारे में। आप अगर NCC के बारे में किसी को जानते हो तो NCC करता है उससे पूछिए। तो मैंने नहीं NCC का फॉर्म भरा है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता है। ये भगवान, कोई भी आता है नया तो पास होने के लिए हाथ जरूर जोड़ लेना। तो ये C4, इसमें फर्स्ट ईयर की क्लास लगती है। हम भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब यहीं क्लास लगती थी।
और आप जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम उमरदीन है और मैं पोखरण जैसलमेर से हूँ। अभी मेरी सीएस ब्रांच है और मैं यहाँ सेकेंड ईयर में हूँ, ठीक है ना। तो यही सीन है, सब क्लासें बंद पड़ी, वरना मैं आपको अंदर से बताता। आगे वो भी लॉक है, इधर शायद ये खुला है, तो चलते हैं ऊपर। ये है इधर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, ये गेट खुला था तो ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो ये सीन है अपना। अरे यार, मेरे को आपको मेरा डिपार्टमेंट दिखाना था, लेकिन वो अभी बंद है, तो इतने से ही खुश रहो, ठीक है ना। सॉरी, खुश क्या रहो, देख के एंजॉय करो। अगर आप कोई इस कॉलेज में आना चाहते हो तो वेलकम है। अभी तो एडमिशन बंद हो गया, अगले साल होगी, लेटरल एंट्री भी होती है और 10th के बाद भी आ सकते हो। अगर इस पर आपको पूरा ब्लॉग चाहिए या वीडियो चाहिए कि कैसे एडमिशन ले, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं, 100 लाइक करवा देना, बहुत है। 100 लाइक हो गए तो मैं आपको MBM का भी टूर दे दूंगा, आप कमेंट करोगे तो। और इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूँ, कैसे एडमिशन लेना है, कैसा कॉलेज है, रेटिंग वगैरह कैसी है, ठीक है ना। यही सीन है। और इधर स्विमिंग पूल जो अभी खाली पड़ा है, ठीक है ना, इसको भी मैं आप अभी आपको बता देता हूँ। मुझे आपको मेरा डिपार्टमेंट बताना था, लेकिन लॉक है तो सॉरी। तो चलते हैं अभी बाहर और थोड़ा बहुत आपको स्विमिंग पूल वगैरह ये दिखा देता हूँ। इधर बड़ा यही कॉलेज है, ज़्यादा बड़ा ही नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, मैकेनिकल का अलग है, सिविल का अलग है, कंप्यूटर साइंस का अलग है, पेट्रोलियम का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, ठीक है ना। चलते हैं अभी नीचे, तो नीचे जा रहे हैं। एक ये गेट खुला था ऊपर जाने के लिए। आ गए हैं अभी नीचे, हमारे साइड का सीन कुछ ऐसा है। ये बेल है लेकिन कभी बजती नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही क्लासें लगती रहती है, किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती है, हमारे भी कम ही लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो क्लासें लगती है। ये है स्विमिंग पूल जो मैं जब से आया हूँ तभी से खाली पड़ा है, कचरे से भरा हुआ, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ। ये देख लो, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो अभी चलते हैं कॉलेज से बाहर और बाहर जाके शूट करेंगे, एंडिंग पार्ट बनाएंगे, सॉरी शूट तो क्या करेंगे, हो गया पूरा। तो चलते हैं बाहर, स्विमिंग पूल तो आई होप के भर जाए कभी, तो हम भी इसका थोड़ा लुत्फ़ उठा लें। तो चलते हैं बाहर। ये था कॉलेज का पूरा टूर, पूरा तो नहीं कह सकते क्योंकि अंदर से क्लासें मैंने दिखाई नहीं है, कि बंद पड़ी है तो मैं कैसे दिखाऊं। अब देखो मंडे को अगर थोड़ी बहुत क्लिपें मैंने ऐड कर ली तो देख लेना, अगर नहीं हो सका तो इसी से काम चलाना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करना आपको कॉलेज कैसा लगा और इस कॉलेज में कौन कौन इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, या मेरे कॉलेज से कौन कौन देख रहा है, कमेंट ज़रूर करना। तो ये है हमारी कंप्यूटर लैब और हम आज मंडे को अर्ली मॉर्निंग में, और ये मेरा दोस्त नौटंकी करता हुआ, और ये एक और है कंप्यूटर लैब और ये जिसमें हमारा अभी तक कॉलेज का हमारी कभी कंप्यूटर क्लास लैब लगी नहीं जो है। काफी सालों से बंद और है। अगला है ये अपने ड्राइंग क्लास जिसमें ड्राइंग की क्लासें होती है फर्स्ट ईयर की सारी, और दूसरे ये अदर क्लासेस, लगभग सारे क्लासरूम सेम ही है, एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट है। तो है फर्स्ट ईयर की नीचे लगती है वो थोड़ा अलग है, सिटिंग व्यवस्था थोड़ी सही है, इसमें शायद सिविल की लगती है,
तो अगला है ये ऑडिटोरियम हॉल। वहां से आपका प्रोसेस शुरू होगा। इसी के तहत जो मेन थीम रखी गई है उस प्रोग्राम की, वो रखी गई है अपने SSW। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर तो वो लोग आते हैं जो 5 साल के लिए वहां पे काम करते हैं। सेकंड के अंदर वो आते हैं जिसका कोई लिमिट्स नहीं होता है। इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय।